डैडी जी तुहानू तो पता ही है मेरे को आया नहीं जाना, मगरों मेरे घर का नहीं सरदा, नाले अजिहे आए का की फायदा, मेरा ध्यान पिछे घर च ही रहना। पर पुत गर्मी दियाँ छुट्टियां होन सार सब धियां पेके आ जांदियां ने मापिया नू मिल, बस तू ही हर बार बहाना ला दिनी आ। आंढ गुआंढ च कुड़ियां नू आया वेख के मेरे तो हौल जे पैन लगदे आ, तेनू मिलन दे आ जा पुत, बच्चे भी नाना नानी नू मिल लैणगे। देखूंगी डैडी जी जे आ होया, वैसे भी तुहानू ही खो पैंदी आ, घर चो बाकी किसी होर नू तां कदे महसूस नहीं होया कि कुड़ी आई नहीं। चलो कोई गल नहीं, घरे गल करके देखदी आ, तुहानू भी तां पता ही आ इकली नू हुण करके जिम्मेवारियां बहुत ने, वैसे भी मेरी नंद ने रहण आउणा, उहदे आ जाण तों बाद ही आ सकदी आ, दस देवांगी तुहानू फोन करके। चलो मैं भी फोन रखदी आ, बहुत काम पए आ मेरे करन वाले। सत श्री अकाल डैडी जी। रीत ने फोन तां रख दिता पर वह सोचन लग गई कि मां दे जाण तों बाद डैडी बहुत इकला महसूस करदे सी, घर विच वीरा भाभी ही सी, उह दोनों आपो अपने कामकार विच मगर रहिंदे सी, इस करके मेरा भी उन्हां नूं मिलन जाण नूं बड़ा मन सी पर कह नहीं सी सकदी। अगों सस दा सुभाअ वी कब्बा, जेकर हिम्मत करके पुछ भी लिया तां मैनूं तां भला बुरा बोलेगी ही, नाल मापिआं नूं भी नहीं बख्शणा, हुण करां तां की करां। शाम नूं पति दे घर आउण ते उहदे हाड़े कड्डे, आखे मैनूं सिर्फ एक दिन लई पेके जाउण दिओ, मेरा भी मन रह जूगा ते मेरे प्यो दा दिल भी। पति भी अपनी मां दे सुभाअ तों जाणू सी, उसने भी इह कहि के पल्ला छुड़ा लिया कि मम्मी नूं पुछ ला, मैनूं तां कोई इतराज़ नहीं। हिम्मत करके सस नूं पुछिआ तां अगों उही जवाब सी कि तैनूं पता नहीं कि कुड़ी ने आउणा, बहि जा टैके। बार बार मिन्नतां करन ते कहिण लगी जेकर इन्नी अच भी लगी आ ना ते सवेरे जा ते शाम नूं मुड़ आवीं ते सच कम्म नबेड़ के जावीं। हाँ सुणदे सार ही डैडी जी नूं फोन करता, आखे मैं कल आ रही हाँ पर दुपहर तक ही आ होवेगा ते मिल के शाम नूं मुड़ जाणा। ये सुन के उन्हां दा पहलां तां मन उदास जिहा हो गया पर फिर बोले कि चल कोई ना, जिन्नी देर लई भी खुश हो के भेजण काफ़ी आ। पर मैं असमंजस च पै गई कि अद्धी दिहाड़ी तां कम्म करदी दी निकल जाणी आ, फिर सोचिया चल कोई ना साजरे उठ के कम्म नबेड़ लवांगी। ज्यों 4 बजे दी उठ के कम्म करन लगी 11:30 वज गए, ध्यान मुड़ मुड़ घड़ी वल जा रहा सी। फटाफट बच्चों नूं तैयार किया ते आप भी तैयार हो गई, अजे सस तों इजाजत लैके घरों निकलण ही लगी नाल ही डैडी जी दा फोन आ गया ते पुछण लगे पुत तुर पई कि मैं लैणा वां, गर्मी बहुत आ, बच्चों नूं गर्मी ना लवा लई। मैं मना करता, अजे घर दे दरवाजे विचों बाहर निकली सी कि सस दा भतीजा आ गया, उन्नी पैरी मुड़ आई, चाह पानी दिता ते फिर तो जाण दी इजाजत मंगी। अगों जवाब दिता शर्म कर, जाण दी अग लगी आ, मुंडा आया होया रोटी तैयार कर, मम्मी सब कुछ तैयार किया पिया, तुसी बस वरता दिओ, मेरी 12 बजे वाली बस निकल जानी आ, नाले डैडी जी हुणे भी सवेर दे उड़ीकदे ने, किधरे नहीं तेरा प्यो मरन लगा, कल चली जावी। पर मम्मी, अखां विचों हंझू बह तुरे, सस नूं तां नहीं पर उसदे भतीजे नूं तरस आ गया ते उहने कहा कि उन्हें अगे कम जाना, भाभी नूं जा लैन दो। सस ने औखे हुंदे ने जान नूं कह ही दिता, मेरे रोंदी दे हंझू शुकराना कर रहे सी। काली काली कदम पुटदी बच्चों नूं लै बस चढ़ गई। डैडी जी का फिर फोन आया, पुत बसे बह गई कि नहीं? मैं डैडी जी नूं हौसला दिंदे कहा कि मैं सीधा घर ही पहुँच जावांगी। मेरे पेके घर की वाट बड़ी लंबी जापन लगी, ज्यों ही पेके घर का बूहा खोलिया ध्यान उपर बनेरे वल गया। डैडी जी नूं जदों भी मेरे आउण दा पता लगदा हुंदा सी बनेरे ते खड़े उडीकण लगदे सी, उहनां नूं चाह ही इन्ना चढ़ जांदा सी, डैडी जी डैडी जी मैं आ गई, कित्थे हो तुसीं डैडी जी, दीदी दीदी होश विच आओ, की करी जा रहे हो? भाभी ने रीत नूं बांह तों फड़ के जोर दी हिलाया। रीत ने प्यो दे जाण तों बाद 4 साल बाद पेके घर विच पैर पाया सी ते अतीत विच गुआच गई सी, टिकटकी लगा के बनेरे वल ही देखी जा रही सी। उसनूं इंज लगदा सी कि डैडी जी हुणे बनेरे तों आवाज़ दे के कहणगे मेरा पुत आ गया, पता कदों दा उडीकदा सी मैं तैनूं। पर हुण किवें दस्से प्यो नूं कि हुण इजाजत तां है पर मिलण नूं कोई नहीं। कहानी चंगी लगी लाइक शेयर ते चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो, अपने विचार भी जरूर दसना।